रामपुर में आज एक और हवस के दरिंदे ने एक लड़की को बनाया अपना निशाना। जी हां, शादी का झांसा देकर एक लड़की से अवैध संबंध बनाए और उसके गर्भपात भी कराया, फिर शादी से इनकार कर दिया और किसी को कुछ भी ना बताने की धमकी तक दे दी। रामपुर के थाना सिविल लाइन के रफत कॉलोनी निवासी मरहूम रफत खान की 20 वर्षीय बेटी ने 6 लोगों के खिलाफ थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज करवाया है। ये 6 आरोपी मंसूर महफूज, फिरोज, मुमताज मंसूर की मां और डॉक्टर संदीप वर्मा, ये अभी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। उनका आरोप है कि घेर कटेबाज खान निवासी मंसूर ने उसको शादी का झांसा देकर 2 साल तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और जब वह गर्भवती हो गई तब उसका अल्ट्रासाउंड कराकर उसका गर्भपात भी करवा दिया और फिर उससे शादी करने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि पीड़ित लड़की के माता पिता दोनों की मौत हो चुकी है। पीड़ित अपनी शादीशुदा बहन के साथ रहती है। बहरहाल पीड़ित इंसाफ चाहती है और आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग भी कर रही है। इस मामले में हमने जब रामपुर एसपी के चौधरी से बात की तो उन्होंने कहा कि 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, 2 साल से शादी का जहाँ तरह तरिया शादी करूँगा बुरा करता गया 2 साल से मेरे साथ। उसके बाद शादी नहीं करने का दहेज मांगने लगा और उसके बाद शादी से मुकरने लगा तो हमने रिपोर्ट करी। पुलिस के भी बात जा रखी है, अभी धमका रहा है, कह रहा है कोर्ट में गई तो तुझे मार डालूंगा और कहते हैं गवाही देने गई तो मार डालूंगा। मुझे इंसाफ चाहिए और उसको जख्स सदा होना चाहिए। जी हाँ, 1 साल हो गया गर्भपात करवाए। जी तो आपने कहा नहीं ये क्यों? हाँ तो कहा शादी कर लेंगे, इसके बाद करेंगे शादी। थाना सिविल लाइन में एक 20 वर्षीय लड़की ने ये आरोप लगाया है कि उसका रिश्ता तय हुआ था और जिससे तय हुआ था उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में जब वो गर्भवती हुई तो उसका गर्भपात करा दिया गया और अब वो शादी करने से इनकार कर रहा है। इस शिकायत पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 6 लोगों को नामजद किया गया है इसमें जो अभियुक्त हैं, जो मुख्य आरोपी है उसका नाम है और उसके परिवार के कुछ लोगों का नाम है। मुकदमा दर्ज करके विवेचना की जा रही है। रामपुर से जाट टीवी न्यूज़ के लिए अफान अहमद की रिपोर्ट।